हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सुल्फ़ास वर्ल्ड। मैं हीना और आज हम देखेंगे एक अनदर व्लॉग। सो इस व्लॉग में हम लोग लास्ट फ्राइडे अब्दली गए थे फार्म हाउस, सो वही का जो वीडियोस हैं इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। सो चलिए व्लॉग के अंदर चलते हैं। थर्सडे इवनिंग हम लोग फिश मार्केट गए थे, वहीं से ये फिश सब लेकर आए हैं एंड बहुत ही अच्छे रेट में हम लोगों को ये फ़िश मिला एंड वेट भी बहुत अच्छा है, बड़ा फिश है तो इसका वेट भी अराउंड 2.5 केजी के आसपास है। सो कल हम लोग इस फिश का फिश बिरयानी बनाने का सोचा है, सो इसीलिए अभी से मैं क्लीन करके इसे रखने वाली हूँ। नेक्स्ट डे फ्राइडे लंच में मैंने फ़िश बिरयानी बनाया है। जैसे मैंने बताया था, हमेशा फ्राइडेज़ में हमारे घर में कोई ना कोई गेस्ट ज़रूर होता है, सो उस दिन भी हमारे घर में बहुत गेस्ट आए हुए। गेस्ट यानी कि सब अपने ही हैं, एज़ यूजल जो आते हैं वही है, कोई नया नहीं है। सो बहुत घर में जो चहल पहल बढ़ गई थी एंड मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, इस वजह से ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं कवर किया है, बस छोटे छोटे क्लिप्स जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया है। एंड लंच के बाद हम लोग बाहर जाने के लिए प्लान किए हैं। एज़ यूजल फ्राइडेज़ हम लोग ज़रूर कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं, सो आज सब लोग हैं तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग कुछ थोड़ा लॉन्ग ड्राइव जैसे जाते हैं। सो लास्ट टाइम हम लोग गए थे कैरान साइड, राइट। सो इस बार हम लोग अब्दली साइड जा रहे हैं, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब्दली एरिया जो है ये कुवैत का बॉर्डर है। सो इसके बाद यानी कि अब्दली के बाद अगर आप थोड़ा ट्रैवल करेंगे तो इसके बाद आपको इराक का मेन जो हाईवे होता है वो कनेक्ट होता है। सो अब्दली जो है वो लास्ट बॉर्डर है कुवैत का। सो ट्रैवलिंग आवर्स जो आप देखोगे तो ये भी सेम वन आवर के आसपास लगता है ट्रैवलिंग, लेकिन बहुत वर्थ प्लेस है, ज़रूर आप विज़िट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे फुल ऑन फुल फार्म ही आपको मिलेगा। अब्दली एंड वफरा एरिया जो है दोनों भी फार्म एरिया है, यहाँ पे बहुत आपको फार्म हाउस मिलेगा। प्राइवेट फार्म हाउस भी है कुवैतीज़ का एंड आपको विज़िट करने जैसा फार्म हाउस भी बहुत सारा है। आज हम लोग जो विज़िट करने आए हैं ये प्लेस, ये आके कुवैती का प्राइवेट फार्म हाउस है। सो ये जगह पे ज़्यादा कोई विज़िट करने के लिए नहीं आता है, बहुत रैली कोई आता होगा, शायद हम लोग भी अंदर विज़िट नहीं कर पाते। हमारे पहचान के जो है वो यहाँ काम करते हैं, सो उनकी वजह से हम लोगों को आज अंदर एंट्री मिला है एंड हम लोग ये सब चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये शिप है, शिप भी है और गोट भी है और साथ में यहाँ पे हैन भी रखा हुआ है, यानी मुर्गी, देसी मुर्गी नॉर्मल ब्रॉयलर, और पिजन्स भी बहुत सारे केजेस में हैं। जब हम लोग अंदर एंट्री किए थे इट वाज टोटली डिफरेंट एटमॉस्फियर, ऐसे लग नहीं रहा था कि हम लोग कुवैत में हैं। मुझे तो पूरा इंडिया वाला फीलिंग आ रहा था, वो स्मेल, वो एरिया, वो लुक, आउटलुक जो है वो सब कुछ ना इंडिया वाला फील ही दे रहा था। सो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कुवैत में हूँ या कुवैती के प्लेस में हूँ, बहुत ही डिफरेंट एटमॉस्फियर था, सब बिल्कुल गाँव वाला फीलिंग आ रहा था मुझे। सो अभी आप जो देख रहे हैं ये पूरे का पूरा जो झाड़ है ये बैंगन का झाड़ है। सो जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है वो पूरा का पूरा बैंगन का फार्म है एंड बहुत ही फ्रेश भी है। सिर्फ बैंगन ही नहीं, बैंगन के अलावा और बहुत सारे वेजेस जो है वो भी ग्रो हो रहा है यहाँ पे। सो आप देख सकते हैं कितना दूर तक है ये फार्म एंड इस तरफ एक ड्रमस्टिक का झाड़ है। सो इसको तमिल में मुरिंगीरा बोलते हैं, बहुत बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए। सो देखते साथ हम लोग इसको तोड़ने लगे। बहुत ही रेयरली आपको ड्रमस्टिक का झाड़ जो है कुवैत में दिखेगा एंड वो भी फ्रेश लीव्स है तो श्योरली कभी मिस ही नहीं कर सकते कोई भी। इतने देर से हम आउटसाइड व्यू देख रहे थे, सो अब यहाँ से जो है एक्चुअल फार्म जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। सो दोनों साइड से आप देख सकते हैं दोनों साइड में खेती है, दोनों साइड में भी अलग अलग काइंड ऑफ वेजिटेबल्स जो है वो डाला हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से, मुझे तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं अपने नेटिव प्लेस में आ गई हूँ। इस तरफ आप जो देख रहे हैं ये है लेडी फिंगर का झाड़, भिंडी। इस तरफ पूरा भिंडी का खेत है। सो सारे इतने फ्रेश भिंडी मैं पहली बार देख रही हूँ, मैंने कभी भिंडी का झाड़ देखा नहीं था। सो आज मैं लाइवली देख रही थी
एंड इतने सारे थे कि समझ में नहीं आ रहा था कि किसको पिक करूँ, बहुत सारा था। इतना फ्रेश भिंडी देख के मन कर रहा था कि मैं सारे एक एक करके तोड़ लूँ, लेकिन जो वहाँ मेरे रिलेटिव काम करते हैं वो बता रहे थे कि ऑलरेडी हम लोगों के लिए वो अलग से निकाल कर रख दिया है, सो हम लोगों को पिक करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। और इस तरफ कॉर्न का पेड़ लगा हुआ है, सो यहाँ पे कॉर्न आप देख सकते हैं कॉर्न है, लेकिन अभी बहुत छोटा है, अभी और बड़ा होगा ये। तो ये अभी अभी पेड़ उगा है, सो अभी इसमें से कॉर्न निकाल नहीं सकते। सो हमारे नसीब में कॉर्न नहीं था, हम लोगों को लगा शायद कॉर्न भी आएगा, मिलेगा हम लोगों को। हम लोगों के लिए जैसे ट्रीट था ये, हमारे आँखों को एकदम हरा भरा देख के सुकून मिल गया था, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। ऑलरेडी हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम लोग मिनी वेकेशन पे आए हैं, एंड प्लस इतने अच्छे बैकग्राउंड के साथ हम लोगों का इतना क्यूट वीडियो निकाला, ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिसान ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। एंड इस तरफ जो छोटे छोटे पौधे हैं ये कोतमीर के पौधे हैं, सो जब हम लोग ऊपर से देख रहे थे हम लोगों को भी समझ में नहीं आया कि कौन सा झाड़ है, लेकिन थोड़ा नीचे झुक कर देखने पर पता चला कि ये कोतमीर का झाड़ है। एंड अब जितना दूर तक आप देख सकते हो ये ग्रीननेस, वो पूरा ग्रास जो है वो कोतमीरी है। सो ये आके अभी फ्रेशली अभी डाला है, सो अभी ये उगने लगा है। जितना ये जगह खूबसूरत है उतना ही लोग ने मेहनत किया है इसके पीछे। जितना आपको ये खूबसूरत दिख रहा है उसके पीछे इन लोगों का हाथ है, बहुत मेहनत का काम है इस चीज़ को मेंटेन करना और यहाँ पे काम करना। एंड यू नो बहुत ही कम सैलरी में ये लोग यहाँ पे काम करते हैं, ये जो काम कर रहे हैं ये नॉर्थ इंडिया के हैं, बहुत ही रेयरली कोई फैमिली यहाँ आती है। सो हमारी फैमिली को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, एंड बच्चों से मिलके उनको बहुत अच्छा लगा। सो यहाँ पे फार्म एंड होता है, इसके आगे थोड़ा डेजर्ट एरिया जैसा है। यहाँ से आप थोड़ा दूर देखेंगे तो आपको शायद एक कैटल दिखेगा, वहाँ पे कैमल का शेड है, सो वहाँ पे कैमल का कैटल एरिया रखा हुआ है। एंड आज सनसेट जो है बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से, पता नहीं क्यों मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरा सनसेट ही अच्छा आता है। सो आज भी मेरा सनसेट जो है बहुत अच्छा आया है वीडियो में। दोनों बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत देर से वेट कर रहे थे कि कैमल कब देखेंगे। सो फाइनली लोगों को कैमल देखने के लिए मिल गया। मैंने कैमल को टच किया, वो देख के हफ्सा भी मुझे भी टच करना है करके आके खड़े हो गई। उसको डर भी था और एक तरफ से उसको टच भी करना है और उसको डर भी लग रहा था। जो पीछे खड़े हैं हफ्सा का हाथ पकड़ के, वो यहीं पे काम करते हैं, यही है चाचा के दोस्त। सो इनके थ्रू ही हम लोगों को यहाँ पे अंदर आने के लिए मिला। सो इतना कुछ हम लोग इतना एंजॉय किया, इतना अच्छा अच्छा व्यू देखा, सो उनके वजह से ही, क्योंकि किसी भी प्राइवेट फार्म हाउस में किसी भी अजनबी को अलाउ नहीं करते इतना इजीली। सो कोई अगर हमारे पहचान के वहाँ काम करते हैं या किसी के थ्रू हम जा रहे हैं तो हम अच्छे से विज़िट कर सकते हैं। एंड उन्होंने इतना फ्रीडम दिया कि वो सामने से आके हफ्सा को बुलाया, उन्होंने इनवाइट किया कैमरे में बैठने के लिए। हफ्सा को बहुत डर रही थी लेकिन उसने भी एंजॉय किया। स्टार्टिंग में तो सब लोग डर रहे थे कैमल से, सुना है कि कभी कभी कैमल काट देता है। सो हम लोग स्टार्टिंग में थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे कुछ खिलाने की कोशिश कर रहे थे तो एक को खिलाने के लिए है ना प्यार, थोड़ा सा प्यार भी करते हैं ना, थोड़ा सा टच भी करते हैं ना, तो एक के बदले चार साथ में आ जाता है, बोनस पॉइंट लेके आ जाता है हम लोग के पास। वो देख के हम लोग को बहुत अच्छा लगा, वो भी बहुत ज़्यादा अटैच फील होता था, बहुत फ्रेंडली था हम लोगों के साथ। हम सब आधा से ज़्यादा वक्त यहीं पे टाइम स्पेंड किए, बहुत देर तक यहीं पे खड़े थे। हम सब ने कैमल का फ्रेश मिल्क भी ट्राई किया, टेस्ट में थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत ही अच्छा था। Yeah.
यहाँ पे दूध निकाल रहे हैं बॉटल में हम लोगों के लिए। सो हम लोग सब ने थोड़ा थोड़ा करके पिया, दो बॉटल तो ऐसे ही चला गया दूध। एंड ही इज़ अ बॉय, ये कुवैती का लड़का है, इसने ही बहुत सामने से हम लोगों को इनवाइट किया एंड बहुत कुछ क्लोजली दिखाया। ही वॉज वेरी काइंड जेस्चर। देखते देखते अंधेरा हो गया, मगरिब का अजान भी हो चुका है, बस थोड़े देर में अभी हम लोग निकलने वाले। The next day. एंड ये वीडियो जो है मैंने नेक्स्ट डे शूट किया है। कल इवनिंग में आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, सो मैंने ऐसे ही सारे वेजिटेबल को फ्रिज में रख दिया। और ये सारे वेजिटेबल्स जो है ये सारे वो फार्म से हम लोग लेकर आए हैं, सब इतना फ्रेश है। एंड ये सिर्फ भिंडी ही 8 से 9 किलो तक रहेगा, बहुत ज़्यादा था तो इतना सारा भिंडी हम लोग क्या करें समझ नहीं आया। सो हम लोग सोचे थे कि थोड़ा थोड़ा सब में बांट देते हैं, इसलिए सारे वेजिटेबल जो है मैं छोटे छोटे पैकेट में पैक कर रही हूँ सबको देने के लिए। कल मैंने बैंगन का फार्म दिखाया था, सो ये फार्म में से ही लिया हुआ है, पर ये ऑलरेडी सब कुछ उन्होंने निकाल के अरेंज करके रखा था, तो हम लोगों को कुछ भी अपने हाथों से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ा। सो ये सब कुछ इतना फ्रेश है कि आप और 10 डेज भी इसको ऐसे रखोगी तो कुछ नहीं होगा। एंड ये इतना सारा था तो हम लोग ने सब में थोड़ा थोड़ा बांट दिया, सोचा कि सबको थोड़ा फ्रेश वेजिटेबल खाने को मिलेगा। एंड ये मिंट लीव्स है, मिंट लीव्स भी बहुत सारे थे, सो बहुत सारा दो थैली भर के सिर्फ मिंट लीव्स ही हम लोगों को मिला। सो मैंने सोचा कि इसका चटनी बना देती हूँ, सो मैंने थोड़ा बांटने के लिए अलग से निकाल दिया है एंड घर के लिए थोड़ा अलग से निकाल के रख दिया है। एंड ये डेट्स भी जो है फ्रेश डेट्स हैं, सो हम लोगों के लिए दूसरे फार्म से इन्होंने ऑलरेडी मंगा कर रखा था डेट्स देने के लिए। सो ये डेट्स भी बहुत थे, ये भी अलग अलग काइंड्स थे, मतलब कुछ एक बड़ा था, इसका नाम जो है एग्जैक्टली मुझे पता नहीं। सो एक लॉन्ग डेट्स था और दो छोटे छोटे डेट्स थे, लेकिन वो भी डिफरेंट टाइप्स का था। सो टोटल डेट्स ही 3 से 4 किलो का था। एंड ये जो बॉक्स में मैंने डेट्स रखा है ये लॉन्ग डेट्स है, जो मैंने बताया था एक लॉन्ग डेट्स है। ये थोड़ा सा ड्राई है लेकिन बहुत ही स्वीटनेस में बहुत ज़्यादा स्वीट है। एंड जब ड्राई होता है ना डेट्स, तो हम सब बहुत दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। और ये प्लास्टिक बैग में जो डेट्स है ये छोटा डेट्स है, ये सब फ्रेशली फार्म का ही है, सो इसमें कोई प्रिजर्वेशन नहीं है। सो वी आर हैप्पी दैट कुछ हम लोगों को हेल्दी खाने को मिलेगा कुछ हफ्तों के लिए। ये सब कुछ मैंने घर के लिए रख दिया है एंड सेपरेटली मैंने पैक कर दिया है जो बाहर देना था। एंड सब होने के बाद फाइनली हम लोग क्लीन करने के लिए बैठ गए हैं। मिन जो है पुदीना जो है वो बहुत ज़्यादा है, सो बहुत दिन तक मैं इसे रख नहीं सकती हूँ, सो सोचा कि इसका चटनी बना देती हूँ। सो मेरे हस्बैंड जो है वो पुदीना क्लीन कर रहे हैं, सो हम लोग ने डिवाइड कर लिया है, वो पुदीना क्लीन करेंगे एंड मैं आके ड्रमस्टिक का जो लीव्स हैं वो मैं क्लीन कर रही हूँ। एंड हम लोग को देख के हफ्सा भी इस तरफ हेल्प कर रही है। माशाल्लाह सुपर नाइस जॉब। इस तरह से क्लीन करके एक प्लास्टिक बैग में मैं इसे स्टोर करने वाली हूँ। ऐसे करने से ये बहुत दिन तक यूज़ कर सकते हैं और फ्रेश भी रहेगा। ऐसे ही रखेंगे तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा लीव्स। और इस भाजी को आप आराम से 1 से 2 मिनट तक स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश ही रहेगा। बस ध्यान रखें कि लीव्स जो है वो ड्राई हो। एंड ऑलरेडी हम लोग क्लीन करके स्टोर करने की वजह से हमारा टाइम जो है वो भी सेव हो जाता है, खाना बनाने में बहुत आसानी रहता है। तो आज का व्लॉग जो है मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, हमारे साथ आपको भी बहुत मजा आया होगा ये वीडियो देखने में। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो जरूर लाइक करो, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस लिंक को शेयर कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, अंटिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।